सिर्फ एक हथियार है। तुम्हारा असली चेहरा तो ये है देवयानी, ये और ये बदलाव का सिर्फ एक नाटक था। नाटक नहीं रवि, ऐसा नहीं है। देखो रवि, मैं बदल गई हूँ, सचमुच बदल गई हूँ, सिर्फ तुम्हारी खातिर मैं सचमुच बदल गई हूँ रवि। प्लीज प्लीज मुझे इस तरह अपने आप से अलग मत करो। अच्छा, बदल गई हो? मेरे परिवार को इतनी तकलीफ देकर, मेरे पापा को मुझसे छीन कर, अब तुम बदल गई हो? तुम अपने गुनाहों को भुला सकती हो देवयानी, लेकिन तुमने जो दर्द और तकलीफ मेरे नसीब में हमेशा हमेशा के लिए लिख दिए हैं, वो मैं कभी नहीं भुला सकता। आज की रात तुम्हें यादगार बनानी थी ना, यही पर तुम इस रात को यादगार बनाओ। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास पहले हो जाता तो तुम इस घर से खुद ब खुद बहुत पहले निकल गई होती। लेकिन तुम्हारे अंदर ना आत्मसम्मान है और ना कोई शर्म। इस दुख की घड़ी में भी जिसे सिर्फ अपनी खुशियों की तमन्ना हो, खुशियों का एहसास हो, ऐसी औरत के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। और हाँ, सुबह भगवान के लिए अपना यह मनहूस चेहरा मत दिखाना, समझ गए तुम?
अपने बारे में कुछ जानती हूँ और ना ही आने वाले वक्त का अंदाजा है मुझे। ऐसे में इन आंखों में चैन की नींद आप ही कैसे सकती है? ऑफिस का काम काफी बाकी है। देखिए, आपके लिए यह नई जगह है, इसीलिए एडजस्ट होने में थोड़ा वक्त लग जाएगा। मुझे इस वक्त थोड़ा काम करना है, इफ यू कैन एक्सक्यूज मी प्लीज। क्या खुशबू है? तो खुशबू खाने की लग रही है। सर, आज मैंने आपके लिए कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है। What you're talking? This is all continental food? हाँ सर, आपको वो फीका सूप पसंद नहीं था ना, इसलिए मैंने आपके लिए खास कॉन्टिनेंटल फूड बनाया। What a day? ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। सर सब तैयार है, आप बैठिए, बस मैं लगाती हूँ। क्या बात कर रही हो? अभी लेकर आई। कमाल है, इस लड़की ने सब चीज तैयार भी कर दी और मुझे पता भी नहीं चला।
कहां वो संजना जिसे कॉन्टिनेंटल खाने का नाम तक नहीं मालूम था, और कहां ये सुनैना जो मेरी हर पसंद का ख्याल रखती है। उस जायदाद के चक्कर में इतना फंस गया था कि मैं शायद खुद की पसंद भी भूल गया था। खैर, अब सब ठीक हो रहा है मेरी जिंदगी में। बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश। उस पर वो एहसान किया जिसके वो लायक नहीं थी। पापा, इस औरत ने आपको मुझसे दूर कर दिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। पापा, मैं इस औरत को इस घर में रखकर गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहता। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए। आपके इस बेटे की एक गलती ने इस घर को कितनी तकलीफ दी है बाबा, कितनी तकलीफ दी। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझे माफ कर दीजिए। तुमसे जो कुछ भी कहा मेरी भूल थी राधा, ये बुरी यादें मुझे सोने नहीं देती है राधा। मैं जब कभी सोने की कोशिश करता हूं, मेरी हर गलती मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती है और मुझसे सवाल करती है कि
क्या हक था मुझे तुम पर इल्जाम लगाने का? जबकि मुझे अपनी सोच पर ही यकीन नहीं था। मुझे माफ कर दो राधा, मुझे माफ कर दो। अपने अजय के पास लौट आ रहा था, लौट आओ अपने अजय के पास। ये अच्छा नहीं किया रवि, मेरी बेइज्जती करके तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन खैर तुम जानते नहीं हो तुमने किया क्या है। तुमने मेरे साथ ऐसा सुलूक करके मुझे नहीं खुद को मुसीबत में डाल दिया है, खुद को। ठीक है, अब तुमने ही गलती की है, उसकी सजा अभी भुगतेगी तुम्हारी मां। हाँ, तुम्हारी मां।